गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉन ऑनलाइन सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं आईआईटी जेईई का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आया हुआ है। सो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है इफ द वैल्यूज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल 0 to 1 साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन, वेयर एन इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल एन, देन द वैल्यू ऑफ एन इज। तो हमें क्वेश्चन पूछा है, बताइए इस एन की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। हमने इंटीग्रेशन को अपन मान लेते हैं अपना आई, ठीक है। सो आई इज इक्वल टू 0 to 1 साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx इज इक्वल टू, हमें दिया हुआ है पाई स्क्वायर बाय एन, ठीक है। और हमें एन का वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है, पाई स्क्वायर बाय अंडर रूट एन। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन की, कि अगर हमारे पास एक इंटीग्रेशन गिवन हो a टू b fx इंटू dx, तो इसको अपन बोल सकते हैं a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। ये प्रॉपर्टी हमको यहाँ पर यूज करना है, तो इसको हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम अपन क्वेश्चन शुरू करते हैं अपना। यहां से हमने सबसे पहले लिखा आई इज इक्वल टू 0 to 1 साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डीएक्स, और इसको अपन ने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए अपना जो आई है वो बन जाएगा 0 to 1 साइन इनवर्स a प्लस बी मतलब 0 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन, यह बन जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू dx। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो यहां पर देखिए ये जो अपना i है दैट इज बिकम i इज इक्वल टू 0 to 1, ये देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है ना, अपॉन ये जो इसको ओपन किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में तो माइनस 1 प्लस एक्स और साथ में प्लस 1 dx। अब देखिए यहां पर हमारा आई हो गया है 0 to 1 साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, बचा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस x हो गया माइनस एक्स प्लस 1 और dx। अब हम क्या करेंगे कि जो साइन इनवर्स अपना रूट 1 माइनस एक्स को चेंज करेंगे कॉस इनवर्स x में। तो देखिए क्या करना होगा उसके लिए, हमें हमने साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स को t सपोज किया, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू बन गया मेरा साइन t। अब निकालना है cos t, तो देखिए cos t क्या होगा, cos t हो जाएगा मेरा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर t, तो मेरा cos t यहां से कितना आ जाएगा, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर t मतलब इसकी वैल्यू रख देंगे अपन तो क्या हो जाएगा रूट कैंसिल स्क्वायर से, तो cos t इज इक्वल टू हो गया मेरा 1 माइनस 1 प्लस एक्स दैट इज cos t। तो cos t मेरा कितना आ गया यहां से, cos t इज अंडर रूट ऑफ एक्स, हमारा टी आ जाएगा दैट इज कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स, सो दैट इज टी। अब हमें साइन इनवर्स चेंज किया था, साइन इनवर्स एक्स माइनस टी को उसको अपने कॉस इनवर्स चेंज कर लिया तो अपना आई बन गया। सो आई इज बिकम 0 to 1 कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस सॉरी डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड किया तो देखिए i प्लस i इधर बन गया मेरा 2i इज इक्वल टू 0 to 1 इक्वेशन 1 में क्या था मेरा साइन इनवर्स अंडर रूट x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये था अपना इक्वेशन नंबर 1, है ना, ये अपना इक्वेशन नंबर 1 था यहाँ पे।
ठीक है, पूरा आपने लिख दिया, प्लस इक्वेशन टू अपना ये हो जाएगा 0 to 1 कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे अपन देख सकते हैं दोनों की लिमिट भी सेम और डिनोमिनेटर भी दोनों का सेम आ रहा, तो अपन लिख देंगे 2i इज इक्वल टू 0 to 1 साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डीएक्स। ओके, अब देखिए हमको पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटी होती है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है पाई बाय 2। वो चीज हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होती है, यहाँ पे रख देंगे पूरे आइडेंटिटी की जगह। यहाँ पर हमारा जो आई 2i था वो बन जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 to 1, हमने यहाँ पे क्या किया है पूरे की जगह पाई बाय 2 रखा है, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx, एक्स प्लस 1 और dx। अब ये पाई बाय 2 किधर रखा, तो 2i इज इक्वल टू बन गया मेरा पाई बाय 2 को बाहर निकाल दिया 0 to 1 dx अपॉन, यहां बनाएंगे अपन कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो यहां पे देखिए हमको क्या चाहिए प्लस का 1 by 4 प्लस और 1 by 4 हमको क्या करना पड़ेगा माइनस, ताकि हम यहाँ पे आइडेंटिटी बना पाए, तो यहाँ पे आई मेरा हो जाएगा पाई बाय 4 टू इधर मल्टीप्लाई किया 0 to 1, ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 by 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 minus 1 by 4 कितना हो जाएगा 3 by 4। ठीक है, इसको थोड़ा सिंपल वे में लिख लेते हैं, तो आई इज इक्वल टू हो गया मेरा 1 pi by 4 0 to 1 dx अपॉन x माइनस 1 by 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3 by 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, अगर हमारे पास i इज इक्वल टू दिया हो 0 to a या a टू b dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हम लिख देते हैं इसको 1 upon a tan इनवर्स एक्स बाय ए और लिमिट a टू b। ठीक है ना, यहाँ पूरी चीज हम अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा मेरा जो i है डेट इज पाई बाय 4। ठीक है, अब 1 upon a यहाँ पर a कितना है मेरा रूट 3 by 2 है, 1 upon √3/2 tan इनवर्स x मेरा हो गया x माइनस 1 by 2 है ना अपॉन में a रूट 3 by 2 और लिमिट होगी अपनी 0 to 1 है ना, लिमिट क्या होगी अपनी 0 to 1। अब देखिए यहां पर हमने क्या किया, ये हो जाएगा 2 pi upon √3/4 लिमिट अपर लिमिट अप्लाई किया 1 minus 1 by 2 कितना होता है 1 by 2, हो जाएगा tan इनवर्स 1 by 2 अपॉन √3/2 माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स ऑफ -1/2 अपॉन √3/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे देखिए 2 हो गया 4, तो बन गया मेरा पाई अपॉन 2√3। ठीक है, अब ये बन जाएगा मेरा tan इनवर्स 1 by √3 माइनस 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 हो जाएगा प्लस टेन इनवर्स, क्योंकि रूट 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल, ये बन जाएगा टेन इनवर्स 1 by √3। अब देखिए ये बन गया मेरा पाई अपॉन 2√3, टेन इनवर्स 1 by 3 का मतलब होता है पाई बाय 6, तो पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6 दैट इज 2 pi/6, तो अब बन गया मेरा पाई अपॉन 2√3 इंटू 2 pi/6, ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसल आउट हो गया, तो बचेगा मेरा पाई स्क्वायर 6√3। अब ये आ गया हमारा आंसर, और हमें आंसर क्या दिया था क्वेश्चन में कि हमारा जो आंसर था वो दिया था पाई स्क्वायर अपॉन √n इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 6√3। ये पूरे √n को इससे कंपेयर कर लेंगे अपन, तो देखिए √n को कंपेयर किया तो 6√3
स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो n इक्वल टू आएगा मेरा 6 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, n इक्वल टू आ जाएगा मेरा कितना 108, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 108 और ये आपका आंसर है। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, प्लीज गिव मी अ पॉजिटिव फीडबैक एंड शेयर माय वीडियो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।